आज सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक संगठित होना हमारा अति आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कैसी कैसी विपत्तियां आ रही। एक नूपुर शर्मा के एक बयान के कारण आज पूरे देश में हलचल मच गई। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। आपने देखा होगा कि आज जुम्मे की नमाज के बाद क्या हुआ, कितना उत्पात हुआ और हम लोग शांत बैठे। नूपुर शर्मा की फांसी की मांग कर रहे हैं, पुलिस जब रोक रही है तो पुलिस वालों को भगा रहे हैं, मार रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व की घटना है कानपुर में दंगा हुआ। अगर इस तरीके से ये दंगे होते रहे तो हमारे लिए ठीक नहीं। ये लोग इतने बढ़ रहे हैं, इनको रोकना पड़ेगा और इनको रोकने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। अगर संगठित नहीं हुए तो याद रखना, जैसी स्थिति हिंदुओं की पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, वही स्थिति हिंदुओं की इस भारतवर्ष में हो जाएगी। अगर अपनी संस्कृति संस्कार बचाने हैं तो एक संगठित होना हमें पड़ेगा। हमारे संतों के प्रति हमें आदर सत्कार से रहना पड़ेगा। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में हमारे स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कोई उनका सपोर्ट नहीं करता। लेकिन एक वो हैदराबाद से जिहादी ओवैसी कोई भी बात बोलता है तो ये सब एक संगठन के साथ में उपद्रव करने लगते हैं। हमें भी संगठित होना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, नहीं तो भारतवर्ष की स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि कोई रोक नहीं पाएगा। सभी से निवेदन यही है कि संगठित रहें, क्योंकि कहा गया है कि संघे शक्ति कलयुगे। जब तक संगठित नहीं होंगे हम बच नहीं पाएंगे, और ऐसे ही अगर अलग अलग बने रहे तो बहुत ही शीघ्र हमारी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। सभी से हाथ जोड़ करबद्ध प्रार्थना है कि जागो, जागना पड़ेगा। हम सिंह की संतान है तो वह सिंह वाला पराक्रम दिखाना पड़ेगा। जब तक सिंह सोता है जंगल में सभी पशु उत्पात करते हैं, लेकिन सिंह जब दहाड़ मार करके उठता है तो उस जंगल में शांति फैल जाती है। इसीलिए सभी सनातनियों से मेरा अनुरोध है कि जागो और अपनी उस दहाड़ को, सिंह जैसी जो दहाड़ है वो दिखाओ उन्हें, इन आतकाइयों को समझाओ कि हम वह शूरवीर हैं जिनके आगे सभी नतमस्तक होते हैं। तो सभी खड़े हो जाओ, सो मत, अगर सोते रहे तो सब कुछ खो दोगे। किसी ने कहा है ना कि जो सोवत है सो खोवत है, वही स्थिति हमारी है। हम लोग सो रहे हैं, जागृत नहीं हो रहे हैं, और जब तक जागृत नहीं होंगे विनाश होता रहेगा। पूरे भारतवर्ष की स्थिति इस समय इतनी भयावह है कि भय लगने लगा है कि भविष्य में क्या होगा। आज जागना पड़ेगा, आज जरूर जागना पड़ेगा। मैं सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, अपने संतों की, अपने धर्म की, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का। जय श्री राम।